आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाई हुंकार। इस मौके पर राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव को लेकर दुर्ग शहर में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता अपनी अपनी जोर आजमाइश के साथ शहर की जनता के बीच पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को दुर्ग के राजीव भवन में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने अपने संबोधन में भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में किए गए कार्यों और योजनाओं को भाजपा सरकार धीरे धीरे बंद करवा रही है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। के पहले 40 रुपए मिली चार्ज से कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल की सरकार 120 रुपए पर भारी भ्रष्टाचार ईडी घुमाते आईटी घुमाते मार मार के पीट पीट के रात रात भर जगा के तब FIR दर्ज करत और सरकार बदल गई। सरकार बदली तो हम सोच रहे हैं 120 के 40 रुपए हो, लेकिन 40 रुपए नहीं हुए। हमारे ऊपर आरोप 20 रुपए लगा दी से। अब राइस मिल वाला मन है विष्णु मिल भोग लगा थे 40 रुपए। भोग लगा थे 40 रुपए प्रति क्विंटल के। बड़े होटल में बैठे मंत्री मन वहां वसूली चला थे। यदि मोर बात गलत है तो निकाल ले कर्मन के पेमेंट कौन तारीख को है और यदि जात का कौन तारीख के यदि भोग लगा तो की पेमेंट पा इधर मन के कामे चंदा दो धंधा लो। आज अमर सरकार रही से मन 120 रुपए बढ़ाए तो 5 महीना में एक दाना धान को सोसाइटी में कोनो धान से कम कर खरीदी पैसा क्यों ना देते कहां थी है लेकिन नुकसान का हुए 1000 रुपए मिले बहनी में लसुनता का और नुकसान का हुए नौजवान मन पर सुनो किसान मन पर सुनो और पतारी बहनी मन भी सुनो। पहली बार गोबर खरीदी बंद वर्मी कंपोस्ट खरीदी बंद प्राकृतिक पेंट बंद 4 पैसा बहनी मन के हाथ का आदेश बंद। भूमि श्रमिक न्याय योजना मिल रही साल के 7000 बंद हो गई साय। नौजवान में सुन लो राजीव योगदान क्लब बंद हो गए साय। रेमियर साय साय बेरोजगारी भत्ता बंद हो गए हो गई ना। 18 लाख आवाज मिलना बंद हो गए। अब बहनी मन सुन लो तो हमसे राशन कार्ड अभी फोटो छपे है 4 महीना करी हमारे मन के फोटो री से और अमर जीत के अब बदल के 3 ठक फोटो लग के दयादास बघेल के विष्णु देसाई के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 ठक फोटो लगे दोनों कार्ड में निकाल के देख लो अंत्योदय 35 किलो मिली लेकिन प्राथमिकता वाला जो कार्ड धारी है ते मतलब हमार सरकार रही तो 35 किलो मिलत रही से नमक मिलत रही से माधा क्षेत्र में चना और गुड़ तक मिलत रही से और 35 5 परिवार है एक सदस्य है तो 10 किलो दो सदस्य है तो 20 किलो और 3 जने है तो 35 किलो और 5 घर से उठा हो गए तो 7 किलो तो व्यक्ति हिसाब से राशन मिलत रही से। लेकिन अभी जिन कार्ड छपे है वो में देख लो वो में केवल 5 किलो मिले 5 किलो प्रति व्यक्ति का।
अगर तीन जने 35 किलो मिला पीस है, अब मिली 15 किलो, तो 20 किलो के घाटा हो गए, नमक के घाटा हो गए ना। तुम्हारा 5 किलो सुनाया था, मुद्दा बताना चाहता। कई जन थे कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कई जन थे कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। अभी वर्तमान में चुनाव है विधानसभा के, तो पर बात बहुत सही से मुद्दा है जो हमारे प्रदेश में काम करी। सबसे पहली मुद्दा मैं आप मतलब पूछना चाहता हूँ, जगह जगह बोर्ड लगे कि 18 लाख आवास दे दे की के, या जब तक जन बैठे हो गांव के शहर के, एक जन भी खड़े होकर बता दो कि आपके वार्ड में आपके गांव में एक आध आवास मिले हुए, एक व्यक्ति ने भी आवास मिलेगा नहीं मिले। दूसरा मुद्दा माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस के सरकार में हम 2500 रुपये हमारे बेरोजगार साथी मन बेरोजगारी भत्ता दे रहे, अभी मिला देगा 5000 हो गए कि बंद हो गए? बंद हो गए जोर से बोलो, बंद हो गए ना, ये भी दूसरा मुद्दा है। तीसरा हमारे भूमिहीन श्रमिक मल्ला कांग्रेस सरकार में 7000 रुपये दे रहे, जिला बढ़ा के 10000 रुपये करने के बात कर रहे हैं, अभी कितना पैसा मिला थे बताओ? बंद हो गए कि चालू है? बंद हो गए, तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा हमारे 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी करते हैं, वो चालू है कि बंद है? 2 रुपये के 4 रुपये हो गए कि सुना है, तो बंद हो गए ना, ये चौथा मुद्दा। ये सब योजना बंद करा क्या थे हमारे सरकार में, बीएससी के, व्यापम के और अन्य जो नौकरी के भर्ती हुए, इसमें परीक्षा शुल्क में माफी दी से, एक पैसा शुल्क नहीं लगा प्रीस से। अगर लोकसभा के बाद लोग बढ़ा दे जाए, ऐसे सरकार ने सबक सिखाना है। हमारे सरकार में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले के काम कर रहे, वो स्कूल शुल्क मुक्त रखे, कोई लड़का से परीक्षा प्रवेश शुल्क नहीं लगाते, अब वो भी स्कूल के लेवल चालू हो गए, ये बहुत बड़े मुद्दा है साहब। और सबसे प्रमुख मुद्दा राशन के कटौती, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कांग्रेस के सरकार में 3 या 3 से अधिक व्यक्ति के परिवार है, तो 5 व्यक्ति तक के 35 किलो, ओकर बाद 7 किलो प्रति व्यक्ति और बढ़ोतरी से, ये सरकार में वाला घटा के 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दे, ये सबसे बड़े मुद्दा है साथ। देखे राशन कार्ड का, ये जन देखे नया राशन कार्ड है बटे बराबरी से, चुनाव के समय होकर लाभ लेवो के प्रधानमंत्री के फोटो है, विष्णुदेव शायद मुख्यमंत्री के फोटो है, लेकिन देखी इसकी जनता को पता चल रही कि राशन में कटौती हो गए, 5 किलो कर दे गए है 7 के बदला 5 कर दे, तो राशन कार्ड बटवायल बंद कर दे, ये ना भी मुद्दा बनाना है। घर घर जाप बताऊ नहीं बताऊ, ओकर बाद ओपन कह दी इसकी 500 में सिलेंडर देवो, तब बहनी मन बैठे हैं 500 में साए साए भरवा दो हैं, के जन भरवा 500 में हैं, भैया मन भी भरवा दिया, भी भरवा दी साए 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 500 में सिलेंडर के वादा करो खुला देंगे। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।